हाय दोस्तों, हाउ आर यू, वेलकम टू चंद्र फिटनेस। आपके लिए बहुत अच्छे से एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जन के मन में है यार मैं जिम जा रहा हूँ यार, डाइट लो यार, कब तो मैं यार कुछ भी खाऊंगा, चीट फूड कब खाऊंगा, वो उसके रिगार्डिंग मैंने ये टॉपिक लेके आया, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि मैं चीट मील कब ले सकता हूँ और क्या क्या चीट मील में खा सकते हैं और नहीं कब खा सकते हैं, यानी कि कितने दिन के बाद खा सकते हैं, कितने हफ्ते के बाद खा सकते हैं, अपन चीट मील खा सकते हैं, वो आपको क्लियरली कट समझ में आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को कन्फर्म एंड तक देखिए, बीच में कहीं मत चले जाइए। और तुम पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो नीचे में एक लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब करके उस बटन को क्लिक करो, और बाजू में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, आपको फास्ट एंड फास्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक एंड बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, डाइट के, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग सब मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक के थ्रू। मन में वो डाउट सी है यार, चीट मील अपन कब ले सकते हो, क्योंकि क्लीन फूड खा खा के बोर हो जाते हैं। तो अपने ब्रेन को खुशी देने के लिए अपन चीट मील लेते हैं। ओके, वो चीट मील यानी क्या होता है? चीट मील यानी कि एक मील, एक दिन का फुल डे का मील है, कोई भी एक मील, यानी कि लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो आपको बता देता हूँ ये तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया हूँ, यानी तीन लोगों के लिए मैंने डिवाइड किया हूँ, कैसे कैसे तुम कितने कितने दिन के बाद खाना चाहिए करके तीन डिवाइड किया। तो पहला कैटेगरी है मेरा जो बॉडी वेट ज़्यादा है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है एंड जिनका बॉडी फैट ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में उन चीटिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि सोच सकते हैं यार मेरी बॉडी वेट ज़्यादा है, मेरा बॉडी फैट भी ज़्यादा है, तो और चीज में लेंगे तो प्रॉब्लम थी। पर उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, क्या है कि वो ना कि अब चीज में कब ले सकते हैं, 4 weeks once यानी कि 4 हफ्ते में एक बार वो ना के चीज में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आके सेकेंड कैटेगरी में क्या है, सेकेंड कैटेगरी में जो नॉर्मल पर्सन है, यानी कि नॉर्मल है उनका, यानी कि एकदम नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल वेट है, ओके ऐसा है, तो उन क्या कर सकते हैं, ओवर वेट नहीं है, ओवर फैट नहीं है, तो उन कितने हफ्ते में, कितने हफ्ते के बाद चीट मील खा सकते हैं, उन 2 हफ्ते के बाद चीट मील ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 2 हफ्ते के बाद एक चीट मील लेना है। ओके, वो सोच लीजिए। और थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी में आता है जो फिट है, जो फिट है, जिनका बॉडी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बराबर है, नॉर्मल है, सब ओके है, उन कब ले सकते हैं, वीकली वंस यानी कि हफ्ते में एक बार उन चीट मील ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चीट मील कब ले सकते हैं, चीट मील मेरे अकॉर्डिंग सैटरडे संडे जो ऑफ डे रहता है तब ले सकते हैं, और आके वो मोस्टली वो इवनिंग डिनर पे लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इवनिंग डिनर पे अपन फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, और नहीं तो शादी वगैरह फंक्शन जो भी है तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे अपन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या घर पे भी बना के तुम खा सकते हो। तो चीट मील में क्या क्या खा सकते हैं, चीट मील में आप खा सकते हैं पिज़्ज़ा, लो पिज़्ज़ा भी एग्जांपल देता हूँ, अभी चीट मील ले रहे हैं, पिज़्ज़ा ले रहे तुम, पिज़्ज़ा लो पूरा दबा के खा लो, बस एक ही चीट मील लेना यार, ये एक ही मिल रहा है, एक दिन मिल रहा है, अच्छे से खा लो, ऐसा नहीं है, पहले अपना गोल देखो, क्योंकि तुम गोल को भी देख के चीट मील खाना पड़ेगा। टाइप ही अपन चीट मील खा रहे हैं क्योंकि अपने ब्रेन को खुशी देना है, यानी कि अपने ब्रेन को ही देना है खुशी, बाकी अपने बॉडी को तकलीफ ही दे रहे, तो समझ लो, क्योंकि 10 मिनट की अभी तुम खा रहे, 2 बाइट या 3 बाइट या 2 स्लाइस खा रहे पिज़्ज़ा का, तो तुम्हारे को ब्रेन को खुशी हो जाएगा, या वाह यार एक नंबर खा लिया मैंने, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद खाया हो तो अच्छा लगेगा तुम्हारे ब्रेन को, और खाने के लिए बोलेगा। पर उसके 10 या 15 मिनट के बाद तुम्हारा बॉडी सफर करेगा। ओके, तो पहले तुम कंसिडर करो कि मेरा गोल क्या है। ओके, खाते जाएंगे तो क्या होगा कि तुम्हारा बॉडी बहुत सफर करेगा, पर आके तुम्हारा ब्रेन को खुशी मिलेगी। तुम ये फील्ड में है, यानी कि बॉडी फिट करना है, फिट रखना है, तो तुम अपने ब्रेन की नहीं सुननी पड़ेगी, अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी। ओके ओके फ्रेंड्स, ये पहले सोच लो अच्छे से, और ब्रेन को अपन क्यों खुशी करते हैं, कि क्योंकि ब्रेन मोस्ट पावरफुल मसल ब्रेन है,
and most dangerous muscles also brain. Okay friends, ये पहले देखो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे लेके जाते brain को. Okay friends, उसको वो brain को कैसे तुम लेके जाते हो, कौन से way में लेके जाते हो, वो तुम्हारे ऊपर है. तुम strong हो जाएंगे, देंगे तुम strong हो जाएंगे तो तुम्हारा brain भी strong हो जाएगा और तुम्हारी बात सुनेगा brain, नहीं तो brain की बात तुमको सुनना पड़ेगा. इसीलिए तुम train करो अपनी brain को कि मुझे clean diet करना है, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा तब तब आके खुशी देने के लिए ब्रेन तो सभी मांगेगा तुम्हारे को, मीठा खट्टा सभी तो मांगेगा, तब सभी देते रहेंगे फिर आगे तुम्हारा डैड का खत्म. तो इसीलिए ब्रेन की सुनो, पर ब्रेन को सुनाओ, यही मैं बोल रहा हूँ. ब्रेन तुम्हारी माननी चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक बताऊँ कि चीट मील खाने से क्या होता है अपने बॉडी में. मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म मैंने क्या पहले वो बताता हूँ. मेटाबॉलिज्म यानी जो अपने बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म यानी अपने बॉडी के अंदर एक इंजन समान है, जैसे कार में है वैसा ही अपने बॉडी में एक इंजन समान है मेटाबॉलिज्म. जो कार वाके फ्यूल को बर्न करता है, उसको एनर्जी देता है, वैसे ही अपने बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो इंजन है. अपनी जो फूड खाते हैं उसका कैलोरीज को बर्न करके अपने एनर्जी वगैरह सब प्रोवाइड करता है. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डेली क्लीन फूड खाने से क्या होता है, वो स्लो हो जाता है. अपन उसको फास्ट करना है तब क्या कर सकते हैं, चीट मील अब जब खाएंगे तो तब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एकदम अचानक कोई दूसरा फूड गया तो क्या करेगा, फास्ट करना चालू कर देगा. तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना एक वे भी है, पर उसके लिए ज़्यादा नहीं खाना. तुम बोलेंगे यार मेरे को तो फास्ट हो रहा है, प्रॉब्लम ही है, मेरा कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगा. पर सुन, तुम ज़्यादा रोज चीट फूड खाएंगे तो क्या होगा, मालूम है क्या, टोटली इंजन सीज हो जाएगा. इसीलिए ज़्यादा चीट फूड नहीं खाना है उसको, यानी कि चीट करना है. चीट मील क्यों रखा मैंने, क्योंकि मील को चीट कर रहे हैं फूड, यानी कि रोज डाइट फूड करने की जगह पे ये मील चीट कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसको चीट मील बोल रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स, अभी समझ में आ गया होगा कि चीट मील क्यों खाना है, और चीट मील जरूरत है तो खाओ, नहीं तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारी इच्छा है. पर हम मैंने जो कैटेगरी बताया वैसे ही फर्स्ट कैटेगरी 4 weeks once, सेकंड कैटेगरी 2 weeks once, एंड थर्ड कैटेगरी वीकली वंस बताया. उसके हिसाब से आपके बॉडी वेट एंड बॉडी फैट के हिसाब से आप टू कैलकुलेट करके आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उसमें जो चाहे वो खा सकते हैं, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, पराठे वगैरह जो भी है खा सकते हैं, पर लिमिट खाओ, ज़्यादा मत खाइए. ओके फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक टॉपिक था, क्योंकि चीट मील के बारे में बताना था मुझे, क्योंकि मैं भी कभी कभी चीट मील खाता हूँ, तो मैं उसके बारे में मैं भी बताने की कोशिश कर रहा था. तो बहुत सारे जन को बताने की इच्छा हो रही थी, तो डायरेक्ट मैंने वीडियो बना दिया. तो इसलिए समझ में आ गया होगा आपको कि चीट मील कैसा है, खा सकते हो कैसे, कैटेगरी में क्या क्या, कितने कितने हफ्ते के बाद खा सकते, सब समझ में आ गया. ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फिनिश्ड. तो बहुत ईजी है, नीचे में जाओ सब्सक्राइब बटन, तो यानी कि पहले तुम क्लिक कर दिए तो अभी मत करो. पहली बार देख रहे हो तो कंपलसरी रेड कलर का बटन क्लिक करो, एंड बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दो, एंड लाइक करो फ्रेंड्स. यार लाइक तो करो यार, लाइक करते ही नहीं, इसलिए जाओ फटफट से लाइक बटन, इसीलिए जाओ फटफट से लाइक बटन क्लिक कर दो, और एंड शेयर करो सभी फ्रेंड्स को, तभी समझ में आएगा. इसलिए सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, एंड मुझे इंस्टा एंड फेसबुक में फॉलो कर रही नहीं, इसलिए नीचे में जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, फटफट से फॉलो कर लो. एंड आके बहुत इजी है, कमेंट सेक्शन में जाके तुम कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टॉपिक लाता हूँ.